पानीपत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री राज ओवरसीज यूनिट नंबर 1 सेक्टर 25 में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में 500 से ज्यादा यूनिट में काम कर रही लेबर ने अपना चेकअप करवाया। इस हेल्थ कैंप में बीपी, शुगर और आंखों के टेस्ट करवाए गए। कैंप शुरू होने से पहले दीप प्रज्वलित कर कैंप की शुरुआत की गई। इस मौके पर राज ओवरसीज के डायरेक्टर सुमित नाथ ने कहा कि समय समय पर वो ऐसे ही चेकअप कैंप लगाते रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये कैंप आयोजित करवाया। उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रही वर्कर्स को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अपनी हेल्थ पैरामीटर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हुए जो आपकी मार्किंग्स पे पता चलता है और हेल्थ पे पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल टेस्ट जैसे ब्लड की शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, इन चीजों से बहुत ऐसा पता चलता है कि अगर कोई बीमारी आ सकती है आगे फ्यूचर में उसका हम सही टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। और राज के सारे ऑर्गेनाइजर्स को और स्पेशली रिवान को जिनकी बल से हमने ये सारा ऑर्गेनाइज करा है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये छोटे स्टेप्स लेकर हम सबकी हेल्थ बढ़ाएं और सबको बहुत लंबी जिंदगी जीने का मौका दे। हाँ, हम उसका कोई वो नहीं दे सकते पर ये जो मार्कर्स हैं इनसे आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हो। तो प्लीज टेस्ट कराइए और रेगुलर टेस्ट कराते रहिए ताकि अगर कोई भी गड़बड़ है वो दवा से सही टाइम से उसको ठीक कर सके और वो दवाई भी आपको इधर ही मिलेगी। वहीं सुमित नाथ के बेटे और राज ओवरसीज के फ्यूचर रिवान नाथ पिछले कई महीनों से डायबिटीज की बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सो, ये कैंप पानीपत में चल रहा है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ डायबिटीज पर, जो एक डिजीज़ है जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट आजकल होता है। और पानीपत में मैंने रिसर्च पहले किया है और ज़्यादा लोग की एजुकेशन लेवल हाई तो है पर नॉलेज अबाउट द डिजीज़ तो नहीं है और मैनी पीपल इन पानीपत आर अनअवेयर दैट दे इवन हैव डायबिटीज़। और ये एक समस्या है जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग गया था और फिर ये हेल्थ कैंप जो मैंने प्रमोट किया है, दिस विल हेल्प मी फाइंड सम रिजल्ट्स बिहाइंड वाई देर इज़ अ डिस्क्रेपेंसी इन वाई सम पीपल नो अबाउट डायबिटीज़ एंड वाई दे डोंट बट द एजुकेशन लेवल्स आर स्टिल हाई। और besides the disease itself, it's a very good way for employees to maintain their health checkups because many people can't afford it. So that's one of the main reasons why I did it. किस तरह की रिसर्च रही आपकी इसके ऊपर? So मेरी रिसर्च रिवॉल्व होती है डायबिटीज के आसपास और मैं फोकस करता हूँ यूथ कैटेगरी में, चिल्ड्रंस डायबिटीज बिटवीन एजेस 6 and 12। और मैं छोटे बच्चे क्लासेस 4, 5 और 6 के साथ काम करता हूँ और मैं उनके उनको इस डिज़ीज़ के बारे में सिखाता हूँ। इनफैक्ट आज ही मैंने बाल विकास स्कूल में पानीपत में ही एक एजुकेशन कैंपेन और डीस्टिग्मेटाइजेशन कैंपेन किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। आज आप क्या करते हैं? तो मैं बेसिकली मेरे पास एक प्रेजेंटेशन होता है जहाँ मैं बच्चे को डायबिटीज़ के बारे में सिखाता हूँ और उसके बाद मैं जो स्टिग्मा डायबिटीज़ के साथ आती है उसके बारे में सिखाता हूँ। और ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा बहुत डेंजरस है क्योंकि जो मेंटल हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स डायबिटीज़ पेशेंट्स के होते हैं ये वो स्टिग्मा उसको बहुत अफेक्ट करता है। और इसलिए जब बच्चे को इसको सिखाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि adults don't give this concept too much importance और इसलिए मैं उनको अभी सिखा रहा हूँ ताकि बाद में they can know about the stigma and the disease and not fall into its trap basically। बच्चा समझ जाता है ये चीज़ें जो आप? हाँ, तो मैं सिखाता हूँ इन अ वे जैसे मैं पज़ल पीसेस दिखाता हूँ और जैसे एक पज़ल पीस होता है शुगर और एक पज़ल पीस होता है इंसुलिन और जब फिट होता है तब मैं बोलता हूँ कि ये जैसे अगर इंसुलिन नहीं है तो पीसफुल बनेगा नहीं और फिर शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और फिर ब्लड शुगर लेवल राइज होएगा। तो जब मैं बच्चे को सिखाता हूँ मैं एक बहुत फन लविंग और एक बहुत इंटरैक्टिव मेथड यूज़ करता हूँ ताकि सारे बच्चे एजेस 11 to 14 समझ सकते हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं? हाँ जी,
तो कोई आंकड़ा है डायबिटीज के कितने पेशेंट्स हो गए इंडिया में और इसमें कितनी मौत, कितनी डेथ जो है? सो इंडिया में बहुत सारे डेथ्स हुए हैं डायबिटीज़ से, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे डेथ्स हुए हैं डायबिटीज़ में. जब मैं 11 साल का था, मेरा पर्सनल एक्सपोजर हुआ इस डिज़ीज़ से, और इसलिए ना ये कॉन्सेप्ट, ये डिज़ीज़ मेरे को, मेरे पास एक बहुत पर्सनल, इट हैज़ अ वेरी पर्सनल इम्पैक्ट ऑन मी, और इसलिए मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ. क्योंकि इंडिया में और दुनिया में, जैसे पूरी दुनिया में, ये डिज़ीज़ हम बोलते हैं एक साइलेंट किलर होता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत सारे लोग को अफेक्ट करता है, एंड नॉट मैनी पीपल हैव द एक्सेसिबिलिटी और द अवेलेबिलिटी टू केयर फॉर देमसेल्व्स अबाउट इट, स्पेशली इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. आज ओवरसीज़ में कितने पेशेंट्स को देखा जा रहा है और किस किस तरह का चेकअप हो रहा है? आज राज ओवरसीज़ में हम बीपी टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट और आई टेस्ट करवा रहे हैं 800 वर्कर्स के लिए. और ये बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि पानीपत इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ टाउन दैट फिट्स द क्राइटेरिया ऑफ दिस इशू इन डायबिटीज़ इन इंडिया. फिलहाल खबर लिखे जाने तक राज ओवरसीज़ में हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा था. आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें. वो से पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट.